तो दोस्तों ये है मेरे पास रियलमी 5। और रियलमी 5 को मैंने 4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो आज आ गया इसका वक्त कि 4 दिन का मैं डिटेल्स रिव्यू आपको दूंगा। रियलमी 5 का मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना दिया, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। सारे वीडियो सारे टेस्ट आपको मिल जाएगा, और कल आएगा इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट वीडियो, और रियलमी 3 के साथ इसका कंपेयर, मी A3 के साथ इसका कंपेयर भी आएगा। तो इसका जो सेल है नेक्स्ट 3 सितंबर है शायद, तो आज है 2 तारीख, तो मैं सोचा आज अगर आपको रिव्यू दे दूँ तो आप अगर कल सोचेंगे हम इसको बाय करेंगे तो उसके पहले आप और एक बार सोच सकते हैं। तो लगभग 96 आवर्स मैंने इसको यूज़ किया और प्राइमरी फ़ोन की तरह यूज़ किया, तो सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों नए वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं, मैं आप देख रहे चैनल टेक्निकल MD। तो चलिए देख लेते रियलमी 5 का 96 आवर्स के बाद एक्चुअल रिव्यू। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मैं एक एक करके सभी पॉइंट में कवर करूंगा, इसमें डिस्प्ले से स्पीकर तक बैटरी तक सारे चीज़ एक एक करके मैं कवर करूंगा, और लास्ट में प्रोसेसर कॉन्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको और भी डिटेल्स जानकारी मिले ये फ़ोन कैसा है। तो पहला चीज़ इसका कैमरा में बात करता हूँ, तो पहला इस प्राइस में क्वाड कैमरा दे रहा है रियलमी, ऐसा कंपनी है। क्वाड कैमरा लेंस आपको मिल जाएगा 4 लेंस, जिसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 8222 करके तीन टॉर भी कैमरा दिया हुआ है। डेप्थ सेंसर, मैक्रो या अल्ट्रा वाइड, ये सारी चीज़ दिया हुआ है। तो जिसमें मैक्रो लेंस का काम है आपका नज़दीक का जो फोटो है 4 सेंटीमीटर तक आप जो पिक्चर है वो बहुत ही बढ़िया इसमें कैप्चर करता है, तो इसे नॉर्मल मोबाइल में ऐसा नहीं होता है। तो और ओवरऑल जो कैमरा का क्वालिटी मेरे को लगा बहुत ही बढ़िया लगा, Realme 3 से अगर कंपेयर किया जाए Realme 3 के से भी बहुत ही अच्छा है, Realme 3i से भी अच्छा है। तो इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। कैमरा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर कैमरा की बात करेंगे तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। Realme के नॉर्मल से मोबाइल में क्या होता है, ओवर सैचुरेटेड हो जाता है पिक्चर को, लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, जो कलर वही दिखा रहा है और बहुत ही अच्छा पिक्चर कैप्चर कर रहा है। हालांकि वीडियो में थोड़ा सा आपको EIS का कमी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा जार्किंग होगा अगर वीडियो आप रनिंग के टाइम करेंगे तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन अदरवाइज इसका कैमरा क्वालिटी मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। उसके बाद अगर हम डिस्प्ले का बात किया जाए तो डिस्प्ले में आपका 6.5 इंच का स्क्रीन है, जो कि बहुत ही बड़ा है। और अगर इतना बड़ा स्क्रीन का एक ही फ़ायदा है आपका, अगर कोई मूवी देखोगे या फिर गेम खेलोगे तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो और डिस्प्ले में सुपर एमोलेड नहीं है, लेकिन IPS है और Full HD नहीं है, HD+ है। तो ये ठीक है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, Full HD को ही नहीं देता है, तो HD+ ठीक ही है। 720p रेजोल्यूशन से आप देख सकते हो मैक्सिमम, ये एक बात है। फिर भी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो आपको अच्छा ही लगेगा, सुपर एमोलेड की तरह तो नहीं लगेगा, लेकिन इस कैटेगरी में यही बेस्ट डिस्प्ले रियलमी की तरफ से दिया गया है। डिस्प्ले के मामले में भी आपको कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्ले भी ठीक ठाक है इस मोबाइल में। उसके बाद अगर हम और अगर बैटरी का हम बात करेंगे, इसमें आपको पता है 5000 mAh का बैटरी इसमें दिया हुआ है, जिसमें आपको अगर नॉर्मल यूज़र आप हो आपको 2 दिन आसानी से इसमें चल जाएगा। इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम इन पेपर आपका 12 घंटा दे रहा है, लेकिन मेरे को इसमें स्क्रीन टाइम मिला 10.5 घंटा। 10.5 घंटा मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट कर रहा था इसका, तो इसमें मैंने PUBG चलाया था, मूवी देखा था और बहुत सारे टेस्ट किया था, तो उसी टाइम मेरे को 10.5 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम मिला, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इस प्राइस पॉइंट का कोई भी मोबाइल ऐसे 10.5 घंटा बैटरी बैकअप नहीं देगा। 10.5 घंटा स्क्रीन ऑन टाइम का मतलब है आपका 2 दिन तो आसानी से ही चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो बैटरी के मामले में ये ज़बरदस्त फ़ोन है। उसके बाद अगर हम रैम मैनेजमेंट की बात करें, रैम मैनेजमेंट में मेरे को थोड़ा सा डाउन लगा, लेकिन क्योंकि इसमें जो 3GB RAM है और इसमें से आपको फ्री मिलेगा हर टाइम लगभग 750 MB से 800 MB तक, 750 MB से ज़्यादा फ्री आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे को ऐसा कोई लैग यहाँ पर देखने को नहीं मिला 3GB RAM में भी। मेरे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाला हुआ है, फ्री फायर, PUBG, आपका यूट्यूब स्टूडियो, MX Player, सारे चीज़ यहाँ पर डाला हुआ है, लेकिन ऐसा लैग मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिला है इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें। तो रैम मैनेजमेंट इसका 750 से 800 MB तक ही आपको ऑल टाइम फ्री मिलेगा, इसमें आपको कोई दिक्कतें वाला बात नहीं होगा। इसका जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है कंप्यूटर से अगर इसमें आप कोई कनेक्ट करोगे और डेटा ट्रांसफ़र करोगे तो इसका जो स्पीड है ये ठीक ठाक है, ज़्यादा स्लो नहीं है और ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। तो इसमें भी आपको कोई कंप्रोमाइज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। और कॉल क्वालिटी, इसमें बात करेंगे हम कॉल क्वालिटी, इसका जो कॉल क्वालिटी है हम जहाँ रहते हैं नेटवर्क तो अच्छा ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देखा मेरे को। इसमें Airtel, Vodafone और
जियो मैंने यूज़ किया, एक साथ एयरटेल और जियो यूज़ कर रहा हूँ। दोनों में ही वोल्टी सपोर्ट करता है, दोनों में ही आप नेटवर्क स्विच कर सकते हैं। डेटा वन में भी, सिम वन में भी आपको 4G वोल्टी मिलेगा, सिम टू में भी आपको 4G वोल्टी मिलेगा। तो ये आप निश्चिंत रहिए, इसमें दो ही सिम आप कंटिन्यूसली चला पाओगे, जिसमें उसमें दो ही दो दो सिम में अगर नेट होगा तो दो ही में आप स्विच करके चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और नेटवर्क जो डेटा स्पीड है वो भी ठीक ठाक है यहाँ पर। मैंने नेटवर्क स्पीड टेस्ट ऑलरेडी कर दिया, तो आप वो वाला वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, उसमें इसका जो स्पीड है वो भी बढ़िया दे रहा है। तो नेटवर्क स्पीड क्वालिटी में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। आप अगर बाहर में भी घूमोगे तो इसका जो कॉल क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है, और स्पीकर जो है ठीक से सुनाई दे रहा है। बाहर में भी अगर आप कोई बिजी प्लेस में रहो जहाँ पर बहुत सारे लोग बात कर रहा है, फिर भी आपको सुनाई ठीक से रख देगा। और इसका जो माइक है, माइक भी ठीक ठाक है। अदर जो लोग आपका फ़ोन का बात सुनेंगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। उसके बाद डिस्प्ले का और एक चीज़ मैंने यहाँ पर भूल गया, डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही बढ़िया है, और धूप में, कड़ा धूप में भी आपको देखने में कोई तकलीफ़ नहीं होगा जैसा कुछ मोबाइल में होता है। तो कड़ा धूप में भी इसका डिस्प्ले स्क्रीन ठीक ठाक देगा और आपको देखने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा यहाँ पर। और अगर हीटिंग का बात करें, बिल्ड क्वालिटी का बात करें, तो इस प्राइस में जो दे रहा है प्लास्टिक बॉडी पॉलीकार्बोनेट के साथ जो दे रहा है, ये देखने में आपको अच्छा ही लगेगा। ग्लास बॉडी तो रियलमी की तरफ से अभी कोई भी फ़ोन में नहीं आया, तो इसका जो लुक है आपको बेहतर अच्छा ही लगेगा। पॉलीकार्बोनेट है ठीक है, फिर भी आपको इसका जो लुक है कूल शाइनी लुक है, और कलर भी इसका बढ़िया किया गया है रियलमी की तरफ से। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा कि 9999 में मैंने सिर्फ पॉलीकार्बोनेट लिया, रेडमी से नोट 7 लेता तो उसमें, रेडमी नोट 7 एस लेता तो उसमें ग्लास बॉडी मिल जाता, तो ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई फीलिंग आपको नहीं आएगा। मेरे को तो अच्छा ही लगा इसमें। और हीटिंग का अगर हम बात करें, इसमें कोई भी हीट मेरे को देखने को नहीं मिला। पबजी खेलने के टाइम में भी मैंने बताया था, फ्री फायर खेलने टाइम में भी मैंने बताया, लगभग 36.6 डिग्री तक मैक्सिमम हीट हो रहा था 1 घंटा पबजी खेलने के बाद। तो नॉर्मल यूजेस में आपको कोई भी हीट नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप मूवी देखेंगे उसमें भी हीट नहीं होता है, यूट्यूब देखेंगे उसमें भी हीट नहीं होता है, गेम खेलने में टाइम जो हीट होता है वो नॉर्मल सा हीट है। इसमें हीटिंग का कोई भी इश्यू अभी तक मेरे को नहीं मिला है। और इसमें का जो स्क्रीन का जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है वो बढ़िया है, आपको उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। और कवर चढ़ा के आपको यूज़ करना है, नहीं तो इसमें दाग आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है। अगर फेस अनलॉक का और आपका फिंगरप्रिंट का हम यहाँ पर बात करें तो बहुत ही बढ़िया फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट रियलमी का बहुत ही अच्छा होता है, फेस अनलॉक भी अच्छा होता है। हालांकि फेस अनलॉक में मेरे का थोड़ा सा इश्यू मिलता है, कभी कभी ठीक से कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन फिंगरप्रिंट हर टाइम ठीक ठाक काम कर रहा है यहाँ पर। फेस अनलॉक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। गेम प्ले टेस्ट का अगर हम बात करें, यहाँ पर पबजी मैंने खेला था, इसमें फ्री फायर खेला था, हीटिंग तो नहीं हो रहा, मैं पहले ही आपको बता दिया, लेकिन पबजी में थोड़ा सा आपको लैग देखने को मिलेगा, ये एक बड़ी बात है। और पबजी में आपको HD में कुछ भी गेम आप प्ले नहीं कर पाओगे, सिर्फ बैलेंस और मीडियम में ही आप खेल सकते हो, इसमें HD में नहीं खेल पाओगे। लेकिन गेम खेलने का जो एक्सपीरियंस जैसे डिस्प्ले वाला है, इसके बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा। फ्री फायर में कोई लैग नहीं है, कुछ नहीं है, और HD में भी खेल सकते हो, अल्ट्रा हाई में भी खेल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा अगर आप फ्री फायर खेलते हो। लेकिन पबजी में HD में आप खेल नहीं पाओगे, और थोड़ा सा लैग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर स्पीकर का बात करें, यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करना है, स्पीकर जो इसका है, यूट्यूब में अगर आप गाना सुनेंगे तो आपको स्पीकर का जो साउंड है वो ठीक ठाक देगा, हालांकि ज़्यादा जोर नहीं है। यहाँ पर स्पीकर में थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा। पबजी और फ्री फायर खेलने में आपको स्पीकर में बहुत ही तकलीफ़ आएगा, इसमें ज़्यादा साउंड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मूवी देखने के टाइम या गाना सुनने के टाइम या फिर यूट्यूब देखने टाइम जो साउंड आएगा वो इंडोर में ठीक है, लेकिन बाहर में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। स्पीकर में आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, स्पीकर ज़्यादा लाउडिंग नहीं है इसमें। चार्जिंग का यहाँ पर बात करें, चार्जिंग के टाइम में आपको बहुत ही बुरा फील होगा। मैं 0% से इसका 100% चार्ज करने में 3 घंटे लगा, वो भी पावर ऑफ होते हुए भी। तो 0 से 100% चार्ज होने में आपको 3 घंटे लगेगा मिनिमम। 5000 mAh बैटरी है इसीलिए, और चार्जिंग पे जो दिया गया है वो बुक चार्जर नहीं है, तो चार्जिंग में आपको बहुत टाइम लगेगा, 3 घंटा लगेगा। और इसमें जो सेंसर दिया गया है, सभी सेंसर इसमें आपको मिल जाएगा, वो ठीक ठाक है। और वाइड बाइन L1 आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस में, कोई अमेजोन या नेटफ्लिक्स में प्राइम नहीं लेके ये रखता है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। L1 और L3 में कोई होता है नहीं, हम लोग डाउनलोड करके ही देखते हैं। ऐसे ही इसमें 720p के ऊपर से आप यूट्यूब का कुछ भी कंटेंट भी आप नहीं देख पाओगे।
यहाँ पर एक कम्प्रोमाइज़ करना होगा, 720p से आपको सभी देखने में खुश रहना होगा। और इसका जो ईयरफोन का जो साउंड है वो मेरे को ठीक ही लगा है। कोई भी यहाँ पर भी आपको कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा, रियलमी का ऐसा नॉर्मली ठीक ही होता है। तो इसका जो ईयरफोन का साउंड है वो भी मेरे को ठीक ठाक लगा, तो इसमें भी आपको कोई कम्प्रोमाइज़ करना नहीं होगा। तो अब हम पूरा शायद कवर कर लिया है, तो अब हम कुछ प्रोस और कॉन्स के बारे में बताएंगे जो सुन के आप खुश हो जाओगे और दुख भी आपको हो सकता है। तो ये वाला चीज़ आप सुन लो तो आपको डिटेल्स पता चल जाएगा आपको मोबाइल लेना है या नहीं लेना है। तो पहले जो प्रोस के हम बात करेंगे यहाँ पर, एक नंबर वन है गुड बैटरी। बैटरी बैकअप आपको 10.5 घंटा स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा, तो ये बहुत बढ़िया है, 2 दिन तक आपको आसानी से चल जाएगा। 2 नंबर बिग स्क्रीन, स्क्रीन बहुत ही बड़ा है इसीलिए आपको मूवी देखने में या गेम खेलने में बहुत मज़ा आएगा। 3 कैमरा गुड, कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। 4 नंबर इंटरनेट स्पीड बहुत ही अच्छा है इस मोबाइल में, इंटरनेट स्पीड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, स्पीड ठीक ठाक दे रहा है। 5 नंबर नो हीट, कोई भी हीटिंग इश्यू नहीं है इस मोबाइल में, ये एक बहुत बढ़िया बात है, इस मोबाइल में आपको कोई हीट देखने को नहीं मिलेगा। 6 नंबर यहाँ पर कॉल क्वालिटी, कॉल क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, HD कॉल का जो आवाज़ है इन स्पीकर बहुत ही बढ़िया आ रहा है और इन माइक में भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगा। और उसके बाद डिस्प्ले क्वालिटी में और एक चीज़, आपको कड़ा धूप में भी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे प्रोज है। अगर हम कॉन्स का बात करें यहाँ पर, नंबर वन है नो HD, आपका यूट्यूब में HD कंटेंट नहीं देख पाओगी, 1080 में हाइस्ट है 720, गेम खेलने के टाइम में पबजी गेम खेलने के टाइम भी आपको HD में आप नहीं खेल पाओगे। ये एक नंबर वन और सबसे बड़ा कॉन्स इस मोबाइल में है, आप फुल HD का कुछ भी चीज़ आप यहाँ पर नहीं देख पाओगे। 2 नंबर रैम मैनेजमेंट मेरे को अच्छा नहीं लगा, 750 से 800 MB तक ही फ्री हो रहा है, हालांकि लैग नहीं कर रहा है लेकिन ये वाला कॉन्स में ही आएगा, रैम मैनेजमेंट थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है इसीलिए ऐसा हो रहा है। उसके बाद साउंड क्वालिटी मेरे को अच्छा नहीं लगा, साउंड क्वालिटी इसका नंबर में आएगा जो कॉन्स में रहेगा। ब्लीडिंग डिस्प्ले, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इस मोबाइल में डिस्प्ले में ब्लीड इशू है जो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं एक वीडियो देता हूँ आप देख लो, तो यहाँ पर आप नीचे एक बार देखो, एक बार नीचे से थोड़ा सा लाइट ज़्यादा ओपन हो रहा है, ज़्यादा वाइट दिख रहा है, एक बार नीचे अब मैं स्क्रीन को ब्लैक करता हूँ, आप एक बार ठीक से देखो, नीचे से जो LED का लाइट है थोड़ा सा उखर आ रहा है, नीचे से एक बार नीचे में तक थोड़ा सा वाइट हो रहा है, हालांकि ये ब्लैक स्क्रीन करके भी रख रहा हूँ। बैकलाइट ब्लिंक ट्रेसेबल का एक सॉफ्टवेयर है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अगर यूज़ करते हो रियलमी 5 की लिया हो तो मेरे को कमेंट पे ज़रूर बताना आपके पास भी स्क्रीन ब्लिंक इशू है या नहीं है। मेरे यहाँ पर स्क्रीन ब्लिंक इशू देख रहा है, अगर हम ब्लैक कर दे तो नीचे से जो नीचे का पोर्शन में LED का जो लाइट है उसमें ब्लीड हो रहा है, बुरा बात मेरे को लगा है। इससे पहले Realme 3 में भी देखा था ब्लीडिंग इशू है। और चार्जिंग टाइम इसके बाद आएगा कॉन्स में, 3 घंटा बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है चार्जिंग टाइम में। तो ये 5 टो ही मेरे को कॉन्स मिला और 6 टो या 7 टो मेरे को अच्छा ही मिला, तो अच्छा ही ज़्यादा है, बुरा ही कम है। स्क्रीन ब्लीड इशू के बारे में कुछ और मैं बताना चाहता हूँ, स्क्रीन ब्लीड इशू तो रहता है रियलमी का 2-3 मोबाइल में ऐसा है, जैसा Realme 3 में है, Realme 3i में भी मैंने देखा था, लेकिन Realme 3 में सबसे ज़्यादा था और Realme 5 में ही है। तो और ये ब्लीड इशू में क्या होता है, थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा, नीचे का जो ब्राइटनेस है, नीचे का जो LED का लाइट है एक्चुअल वो उखर के सामने आएगा ऐसा लगेगा, तो ये आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा। लेकिन हालांकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे पास Poco F1 है जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसमें भी ब्लीड स्क्रीन इशू है, 1 साल हो गया उसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं मिला। तो रियलमी का डिवाइस में स्प्लिट स्क्रीन थोड़ा सा रहता है, तो इसमें भी है, ऐसे दिक्कतें वाले बात नहीं है। आप अगर इसको कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, साउंड को कंप्रोमाइज़ कर सकते हो और फुल HD वाला कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है 9999 में। सबसे बड़ा बैटरी आपको मिल जाएगा, स्क्रीन भी बहुत बढ़िया मिल जाएगा, यही सबसे बड़ा चीज़ है, और कैमरा क्वालिटी भी ठीक ठाक है। तो ये सारे चीज़ देख के आप अगर चाहे तो Realme 5 खरीद सकते हो, मेरे को अच्छा ही ज़्यादा लगा, बुरा ही कम लगा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो सारे चीज़ मैंने शायद कवर कर लिया। तो दोस्तों यही था Realme 5 का एक अनबायस्ड रिव्यू 96 आवर यूज़ करने के बाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ लेकर आता हूँ। तो दोस्तों इतना ही, बाय।